मित्रों, जय श्री राम। मैं ब्रजेश पांडे आज आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। ये टॉपिक जो है आपके एग्जामिनेशंस के लिए है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, सर एग्ज़ाम पेपर कैसे लिखें। सबसे पहली बात है, एग्जामिनेशन पेपर लिखने के लिए आपको नॉलेज की आवश्यकता है। अगर नॉलेज है तो आप पेपर पूरा लिख सकते हैं। नॉलेज के बाद आता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। आप किस क्वेश्चन को किस तरीके से अपने माइंड में प्रोसेस करके और उसका आंसर लिखते हैं। तो पहला नॉलेज, नॉलेज मतलब पूरी पढ़ाई जो करते हैं, सारा सब्जेक्ट याद हो जाता है, सारा सिलेबस उनको पता रहता है, किस चैप्टर से आ रहा है, कौन सा टॉपिक है, कौन सा हेडिंग है, क्या आंसर है इसका। अगर उससे चूक गए तो आप आ जाइए प्रेजेंस ऑफ माइंड पर। प्रेजेंस ऑफ माइंड भी नहीं चल रहा है तो द वे ऑफ हैंडलिंग। आकस्मिक सेवा इमरजेंसी नहीं कहते, इमरजेंसी में कैसे हैंडल करें। जैसे कुछ जो कुछ पता चला, कुछ रिकॉल किए, कुछ याद किए, कुछ क्लास की बात याद की, कुछ सर की बात याद की, कुछ स्टूडेंट से कभी पढ़ाई की डिस्कशन, वैसे तो आप लोग करते नहीं लेकिन किए हैं, उसको रिकॉल कर। आकस्मिक अफरा तफरी। चौथी चीज़ जो है, ये एंड नहीं है, चौथी चीज़ जो है वो लिखावट। अपनी लिखावट को आप मजबूत रखें। क्यों? क्योंकि लिखावट अगर अच्छी है तो आपका नॉलेज भी काम आएगा, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी काम आएगा, आपका इमरजेंसी भी काम आएगा। और जो आप पहली से लेकर के अभी तक पढ़ाई किए हैं उस सब का प्रयोग आप कर सकते हैं। लिखावट अच्छी तो एग्जामिनर सोचता है, चलो यार कम से कम जिनको आता था उन्होंने जिस तरीके से प्रेजेंट किया उससे तो अच्छा ये स्टूडेंट है, उससे तो अच्छी है ये। तो कुल मिलाकर जो फाइनल चीज़ें अगर मैं कहूँगा, 50% आपकी लिखावट पर एग्जामिनर का फोकस रहता है। थोड़ा दूर दूर लिखें, अच्छी पेन से लिखें, हेडिंग डालें, ब्लैक से हेडिंग डालें ब्लू से लिखें, या ब्लू से हेडिंग डालें ब्लैक से लिखें। ग्रीन और रेड पेन का प्रयोग ना करें। पेंसिल से लेफ्ट और राइट साइड में थोड़ी जगह छोड़ें, थोड़ा उसको आकर्षक बनाएं। हेडिंग को अंडरलाइन अवश्य करें। यदि आप हेडिंग को अंडरलाइन कर रहे हैं तो एग्जामिनर समझेगा कि स्टूडेंट को समझता है क्या लिखा है और ये कॉन्फिडेंट है अंडरलाइन करने का, कॉन्फिडेंट है। जितना प्रश्न पूछा उतना ही उत्तर लिखें। पेज भरने का काम ना करें, जिसका उत्तर आता है उसी का उत्तर लिखें, जिसका उत्तर नहीं आता उसको अटेम्प्ट लास्ट में करें, थोड़ा बहुत लिखें। कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं गाना लिख करके आया, लेकिन आप ये सुनेंगे ही, केवल सुनेंगे, वास्तविक गाना नहीं लिखते हैं। गलती से एग्जामिनर ने अगर देख लिया और आपने कोई अनुचित चीजें लिखी हैं, मतलब जिसकी आवश्यकता नहीं थी उसको भी आपने पेपर में लिख दी, पूरा पेपर आपका चेक करेगा और फिर एकदम कड़ाई कर देगा, क्योंकि आपने उस टीचर की अवहेलना की है, न कि एग्जामिनर की अवहेलना की है, आपने पूरे वर्ष की अवहेलना की है, खुद की अवहेलना की है, पढ़ाई की अवहेलना की। तो अब चलते हैं, अगर आप लास्ट मोमेंट में पढ़ाई नहीं कर पाए लेकिन एक दो दिन का समय है तो आप बुक ओपन करिए, उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़िए और लास्ट में वर्ड मीनिंग दिया होता है उसको पढ़िए, और समरी, चैप्टर के पहले इंट्रोडक्शन, चैप्टर के लास्ट में समरी और वर्ड्स एंड मीनिंग पढ़ लेंगे तो मिनिमम पासिंग मार्क आपको मिल जाएगा। 40% मार्क्स आर गोइंग टू कम इन योर बैग, इन योर अकाउंट, इन योर मार्कशीट। तो मित्रों, ये रही एकदम शॉर्टेस्ट ट्रिक कैसे पढ़ाई करनी, और जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं इतनी सारी ट्रिक्स बता देता हूँ, इतने सारे नॉलेज आपको ऐसे ही देता हूँ, पेपर सॉल्व करके समझा के बता देता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर इस पर भी आप नहीं पढ़ रहे हैं, मेरे क्वेश्चन पेपर नहीं रेफर करें, मित्रों इसमें मैं क्या सहायता करूँ। आप कहते हैं सर पेपर भेज दो, अरे जो वीडियो देख करके समझा समझा के मैं जो बताता हूँ नहीं देखा है, पेपर देख करके ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा। मित्रों यह वीडियो यदि आपको वास्तव में पसंद आ रहा है, मैंने कुछ काम की बातें की हैं, तो आप सभी मित्रों को भेजिए और उनको बताइए कि सर ने बताया है पेपर कैसे मोमेंट में अटेम्प्ट करना है। तुक्का ना मारें, तुक्का कभी ना मारें, लेकिन जब भाई कुछ नहीं आता है तो तुक्का मारना लास्ट ऑप्शन मत ना, उसका भी प्रयोग कर डालिए। पेपर को नंबर वाइज लिखिए, पैराग्राफ कम लिखें। यदि कोई पूछ रहा है तो हो सके तो उसका डायग्राम अवश्य बनाएं, बुक में दिया हो या ना दिया हो, यदि आप डायग्राम बना देंगे अगर श्योर है तो, नहीं श्योर है तो डायग्राम मत बनाना। डायग्राम बनाएं, अंडरलाइन करें और आंसर पॉइंट में दीजिए, 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट, 7 8 9। पैराग्राफ में लिखेंगे एग्जामिनर कैसे पढ़ेगा, पॉइंट्स में लिखोगे, डेफिनेशन अलग लिखो, एक्सप्लेनेशन अलग लिखो, ठीक है।
और इसी वीडियो के डिटेल्स में मैंने और बहुत सारे वीडियो के लिंक दिए, उनको अवश्य पढ़ेंगे, उनको देखेंगे तो आपको अवश्य समझेगा। मेरा प्रयास है कि भारत का हर बच्चा, भारत का हर स्टूडेंट, पढ़ा लिखा स्टूडेंट बने, भारत की साक्षरता 100% हो और सभी बच्चे पढ़ें, सभी बच्चे बढ़ें, बेटा बेटी सभी आगे चले, भारत देश एक सुसंगठित राष्ट्र हो। मेरा प्रयास है कि हम सभी मिलकर के जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, जो जॉब में हैं, जो पैसे के लिए परिवार के पालन पोषण लगे, वो भी पास हों, वो भी अच्छे नंबर से पास हों। और ये जो मैंने दो तीन चार ट्रिक बनाई है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, समरी, पूरा आप चैप्टर कर, अच्छा नहीं कुछ होता है ना तो चैप्टर का जो पहला पेज है उसको ही पढ़ के, चैप्टर का नाम पढ़ करके अगर उससे आप रिलेशन लगाएंगे, उससे अगर अंडरस्टैंडिंग लेंगे, बेसिक आइडिया लेंगे इसका मतलब क्या हो सकता है, अगर एग्जाम में कुछ नहीं आ रहा ना तो एक तरीका लगाइए इसका मतलब क्या हो सकता है, इसको कहाँ से रिलेट करें, अगर ऐसा भी लिखेंगे तो पासिंग मार्क आएगा। लेकिन ये सब ट्रिक्स लास्ट मोमेंट के लिए हैं, न कि साल भर के लिए। 80-90% इस ट्रिक्स से नहीं ला सकते हैं, इन ट्रिक्स से केवल आप पास हो सकते हैं जो कि लास्ट मोमेंट में ही की जा सकती हैं, इनका दुरुपयोग कभी ना करें। यह वीडियो मैं ऐसे बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं, कॉलेज नहीं जा पाते, टीचर का सानिध्य नहीं मिल पाता, उनके साथ नहीं बैठ पाते, उनके लिए वीडियो है। अवश्य भेजें, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें। मैं आपका ब्रजेश पांडे, आपके कमेंट की प्रतीक्षा में, आपके उत्तर देने के लिए, भारत राष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए, आपको सब सब्जेक्ट का पासिंग मार्क मिनिमम 40 होता है वो लाने के लिए, आप सभी को नई दिशा देने के लिए, आपको एक नया भविष्य दिखाने के लिए, आप सबकी सेवा में तत्पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।